हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या होते हैं ये आपको बताना है तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या होते हैं ये आपकी फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एंड वर्किंग के टाइम पर भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है तो इसका आंसर लेते हैं द सिग्नल दैट इज़ यूज एज फीडबैक सिग्नल इज नोन एज इनपुट सिग्नल तो ऐसा सिग्नल जो फीडबैक सिग्नल की तरह यूज होता है उसको हम इनपुट सिग्नल कहते हैं एंड इनपुट सिग्नल इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंसर स्विचज मीटर्स एटसेट्रा तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में इनपुट सिग्नल्स सेंसर्स स्विचिज़ मीटर्स इन सब से रिसीव होते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं देखिए स्विचेज़ सेंसर्स इन सब का यूज करके हम इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में अब वो स्विचेज़ प्रेशर स्विच हो सकता है टेम्परेचर स्विच हो सकता है सेंसर्स में प्रेशर ट्रांसमीटर का हम यूज कर सकते हैं लेवल ट्रांसमीटर का हम यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा सेंसर्स में हम आर टी थर्मोकपल्स का यूज़ कर सकते हैं मीटर्स के लिए हम फ्लो मीटर्स का यूज़ कर सकते हैं मास फ्लो मीटर्स का यूज़ कर सकते हैं अब हम आउटपुट देख लेते हैं द सिग्नल दैट इज़ यूज एज कमांड इज़ नोन एज आउटपुट सिग्नल अब ऐसा सिग्नल जो कमांड सिग्नल की तरह यूज़ होता है वो आउटपुट सिग्नल कहलाता है द आउटपुट सिग्नल इज़ फीड टू रिलेज एक्चुएटर्स कंट्रोल वाल्स वी एफ डीज अब अगर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की बात करें तो जो आउटपुट सिग्नल होता है उसको हम रिले एक्चुएटर कंट्रोल वाल या वी वगैरह में देते हैं तो देखिए आउटपुट सिग्नल एक्चुएटर्स को जाएगा रिलेज को जाएगा कंट्रोल वाल्व्स को जाएगा एंड वी को जाएगा वीएफडी मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सपोज वी आर रनिंग अ मोटर यूजिंग अ वी एफ डी आर द फीडबैक सिग्नल्स दैट रिसीव्ड इन द एल सी पैनल तो अगर हम एक मोटर को वीएफडी का यूज करके ऑपरेट कर रहे हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन कौन से फ़ीडबैक सिग्नल्स पी पैनल में मिलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तो इसका आंसर देख लेते हैं वेन वी ऑपरेट अ मोटर यूजिंग अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव दैट मीन्स वी एफ डी द फीडबैक सिग्नल्स आर रिसीव्ड इन पी एल सी पैनल तो जब हम एक मोटर को वी एफ डी का यूज करके ऑपरेट करते हैं तो जो फीडबैक सिग्नल्स हैं वो पी एल सी पैनल में मिलते हैं अब कौन कौन से फ़ीडबैक सिग्नल्स होते हैं वो भी देख लेते हैं तो उन फीडबैक सिग्नल्स में पहले डी सिग्नल्स आते हैं डी का मतलब होता है डिजिटल इनपुट सिग्नल्स तो डिजिटल इनपुट सिग्नल में रन फीडबैक आता है हेल्दी फीडबैक आता है एंड ट्रिप फीडबैक आता है तो फ्रेंड्स एक वीडियो बनाई जा सकती है कि पी से वी का यूज़ करके मोटर को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें कौन कौन से सिग्नल्स कब हमें रिसीव होते हैं तो अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा इस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है कि पीएलसी से वीएफडी का यूज करके हम मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं एंड कैसे कैसे हमें उसमें फ़ीडबैक मिलते हैं तो आगे फीडबैक्स देखते हैं कौन कौन से फ़ीडबैक हमें मिलते हैं तो ये तो डिजिटल इनपुट्स हैं जो हमें मिलेंगे इसके अलावा देख लेते हैं दूसरे फीडबैक्स अगले होते हैं एआई सिग्नल्स दैट मीन्स एनालॉग इनपुट सिग्नल्स एनालॉग इनपुट सिग्नल्स में आरपीएम फीडबैक होता है आर पी एम फीडबैक मीन्स जो मोटर की स्पीड या आर पी एम चल रहे हैं उसका फीडबैक हमें मिलता है एंड लोड फीडबैक होता है लोड मीन्स मोटर पर कितना लोड इस समय चल रहा है उसका फीडबैक पी एल जी पैनल में मिलता है तो ये दोनों एनालॉग इनपुट सिग्नल्स होते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ अल पोजिशनर हाउ डज इट वर्क एक वाल्व पोजिशनर क्या होता है ये कैसे काम करता है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अ वाल्व पोजिश्नर इज़ अ यूनिट विद अ कंट्रोल वाल्व टू कीप द वाल्व इन पोजिशन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रोवाइडेड अब वाल्व पोजिशनर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है वाल्व एंड पोजिश्नर दैट मीन्स वाल्व को पोजिशन में करने वाला तो वाल्व पोजिश्नर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिग्नल के अकॉर्डिंग वाल्व को पोजिशन करता है दैट मीन्स अगर फिफ्टी परसेंट वाल्व को ओपन करने का सिग्नल दिया हुआ है तो वो फिफ्टी परसेंट उसको ओपन करेगा हंड्रेड परसेंट वाल्व को ओपन करने का सिग्नल दिया हुआ है तो वो हंड्रेड परसेंट वाल्व को ओपन करेगा तो ये वाल्व पोजिशनर का फंक्शन होता है कि वाल्व को सिग्नल के अकॉर्डिंग पोजिशन करना कंट्रोलर आउटपुट इज फेड टू द वाल्व पोजिश्नर एंड द पोजिश्नर प्रोवाइड्स द आउटपुट टू द कंट्रोल वाल्व टू मेंटेन एनी प्रोसेस अब एक कंट्रोलर होता है जिसका आउटपुट फीड किया जाता है वाल पोजिशनर में अब वो कंट्रोलर पीएलसी भी हो सकता है या पी आई डी कंट्रोलर भी हो सकता है तो कंट्रोलर से पहले वाल पोजिशनर को आउटपुट दिया जाएगा एंड वाल पोजिशनर का जो आउटपुट होगा वो कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा जिससे कि प्रोसेस को मेनटेन किया जा सके किसी सेट पॉइंट पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यह भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लैंड पैकिंग नेम एंड टाइप ऑफ कॉमनली यूज ग्लैंड पैकिंग ग्लैंड पैकिंग क्या होती है कॉमनली यूज ग्लैंड पैकिंग के टाइप्स आप हमें बताइए तो देख लेते हैं क्या होती है ग्लैंड पैकिंग कहाँ यूज होती है अ सीलिंग सिस्टम इन द वाल्व बॉडी दैट प्रिवेंट्स द प्रोसेस फ्लूड कमिंग आउट थ्रू द वाल्व स्टेम तो जो ग्लैंड पैकिंग होती है वो कंट्रोल वाल्व के साथ में यूज़ की जाती है कंट्रोल वाल्व के साथ में यूज़ किया जाने वाला एक सीलिंग सिस्टम होता है अगर वाल्व प्रोसेस में लगा हुआ है कंट्रोल कर रहा है तो प्रोसेस फ्लूड को बाहर आने से जो सीलिंग सिस्टम रोकता है वो ग्लैंड पैकिंग कहलाता है कॉमनली यूज ग्लैंड पैकिंग आर टेफ्लॉन ग्रेफाइट एटसेट्रा जो कॉमनली यूज ग्लैंड पैकिंग होती है वो ग्रेफाइट एंड टेफलॉन की होती है तो देख लेते हैं इनका हम कहां कहां यूज करते हैं टेफलॉन ग्लैंड पैकिंग आर यूज फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन अगर टेफ्लॉन ग्लैंड पैकिंग का हमें यूज करना है तो उसे हम लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे एंड ग्रेफाइट ग्लैंड पैकिंग आर यूज फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस और ग्रेफाइट ग्लैंड पैकिंग का यूज हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है तो यहाँ से देख सकते हैं देखिए ये ग्लैंड पैकिंग शो की गई हैं ये जो वाइट वाली पैकिंग है ये टेफ्लॉन ग्लैंड पैकिंग होती है एंड ये ब्लैक वाली जो होती है वो ग्रेफाइट ग्लैंड पैकिंग होती है तो टेफ्लॉन ग्लैंड पैकिंग को हम लो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं एंड ग्रेफाइट ग्लैंड पैकिंग को हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं तो कंट्रोल वाल्व के इस वाले पार्ट पर ये जो पार्ट यहाँ से शो किया गया है इस वाले पार्ट में ग्लैंड पैकिंग लगी होती है जिससे प्रोसेस फ्लूड को बाहर आने से रोकती है अगला क्वेश्चन प्रेशर स्विच से रिलेटेड क्वेश्चन है यह क्वेश्चन भी आपकी काफी हेल्प कर सकता है तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन द कॉन्टेक्ट सलेक्शन ऑन हाई एंड लो प्रेशर अलार्म स्विच हाई एंड लो प्रेशर पर हम प्रेशर स्विच में किस तरह से कनेक्शन करेंगे तो आप हमें बताइए तो देख लेते हैं क्या रहता है इसका आंसर ऑन ए हाई प्रेशर स्विच द वायरिंग इज टर्मिनेटेड ऑन द कॉमन एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स अब हमें हाई प्रेशर के लिए सेटिंग करने के लिए वायरिंग को कॉमन एंड एनसी में किया जाता है नॉर्मली क्लोज में किया जाता है ये प्रेशर स्विच के टर्मिनल्स आपको शो किए गए हैं इसमें कॉमन है एनसी है एनसी मींस नॉर्मली क्लोज्ड एनओ है एनओ मींस नॉर्मली ओपन तो इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है एक एनसी पॉइंट होता है एक एनओ NO पॉइंट होता है अब इसमें यहाँ पर वन टू थ्री शो किए गए हैं देखिए यहाँ पर वन टू एंड थ्री लिखा हुआ है तो वन टू एंड थ्री को हम कैसे कॉमन एनओ एनसी पढ़ेंगे वो भी समझ लेते हैं ऑन अ लो प्रेशर स्विच द वायरिंग इज टर्मिनेटेड ऑन द कॉमन एंड नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स अब अगर हमें लो प्रेशर के लिए सेटिंग करनी है तो वायरिंग को हमें कॉमन एंड एनओ टर्मिनल पर करना पड़ेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं देखिए वन टू एंड थ्री वन जो है कॉमन है टू एनओ NO है एंड थ्री एन सी है देखिए यहाँ से वन एंड थ्री ये शो किए गए हैं तो वन एंड थ्री आपस में कनेक्टेड शो किया गया है तो नॉर्मली क्लोज को शो करता है थ्री नॉर्मली क्लोज को शो कर रहा है वन ये बीच वाला टर्मिनल है दैट मीन्स कॉमन है एंड टू ये नॉर्मली ओपन को शो कर रहा है तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वन कॉमन है टू एनो NO है एनो मीन्स नॉर्मली ओपन एंड थ्री नॉर्मली क्लोज दैट मीन्स एन सी है तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग